शो तारक मेहता में नट्टू काका के निधन के बाद तारक मेहता अधूरा सो गया था। साथ ही गड़े इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया था क्योंकि नट्टू काका के बिना गड़े इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सीन अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी दौरान तारक मेहता के दो तीन कलाकार शो छोड़कर चले गए, जिसको देखते हुए हर्षित कुमार मोदी ने नए नट्टू काका को लाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि तारक मेहता में नट्टू काका के निधन के बाद तारक मेहता के 70% गड़े इलेक्ट्रॉनिक सीन को कट कर दिया गया था क्योंकि नट्टू काका के बिना सीन अच्छे नहीं लग रहे थे और उसका सीधा इफेक्ट टीआरपी पे पड़ रहा था। और 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वेटरन किरण भट्ट के रूप में नए नट्टू काका सामने आए हैं। शायद आपको यह बात न पता हो कि तारक मेहता के नए नट्टू काका वेटरन किरण भट्ट की नेटवर्थ 1.5 मिलियन है, जिसे आप 15 लाख भी कह सकते हैं। और इनकी उम्र 65 वर्ष है और यह शो के सबसे बुजुर्ग कलाकार भी है। और वेटरन किरण भट्ट जी ने एक ऐसा इंटरव्यू में बताया था कि घनश्याम नायक के पुराने मित्र हैं और दोनों ने मिलकर काफी सारे शो साथ में किए हैं। अपने ऑडियंस से नए नट्टू काका को मिलाते वक्त आशित कुमार मोदी ने ऐसा बताया कि पुराने नट्टू काका ने नए नट्टू काका को भेजा है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों, अभी के शुरुआती एपिसोड में नट्टू काका का रोल बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपको नट्टू काका का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर